भी पशु है मेरा खड़ा या आपका खड़ा, जे आपका घर खड़ा है मेरा खड़ा जद लग तो अच्छा, और जे वो बिक के बग जाए फिर माड़ा फिर उसका गंदा आदमी को, गंदा आदमी को नहीं। और जे वो जुई पूरा अच्छा था तो वह सदा अच्छा रहेगा, और जे आगे जाएगा माड़ा कि नहीं तो वो उरे भी माड़ा था, उरे भी माड़ा था, बगाना काम था। अच्छा उसकी घर की थी या वो भी खरीद के लिया था? नहीं, वो खरीद के लिया था, उसने गांवों में ली थी। अच्छा, और उस पर आपा ने ली थी। ठीक ठीक है। जग पहले बयान में कितने को की होगी इसकी? 2.5-3 साल तो, ये चार दान थी भाई, चार दान थी, लगभग 3.5 साल है। 3-3.5 जो भी हो है। अच्छा अच्छा ठीक है। जुकर नरेश भाई आपे को काटड़ी पाला, हाँ जुकर अपनी घर की है और भी मैसे ही काटड़ी है, जुकर लाड प्यार तो जब बच्चे जुकर तैयार करनी पड़ा है, ये जुकर 3.5 साल की सोना पाली आ, वो आनू भी कह उसने अख नरेश भाई माना पाली दिया मैसे, तो 37-36 जब लाइव मिल्की में रिकॉर्ड बना, लास्ट खड़ कितने की आई थी भाई? वहाँ 21 किलो 100 ग्राम की आई थी शायद, 21 किलो 100 ग्राम, 21 किलो 10 ग्राम की आई थी, पता नहीं 21 किलो मतलब 21 किलो था। अच्छा अच्छा ठीक है। आगे भविष्य में अपना जुकर 2 या 3 टाइम का भी इतना देखने मिल जाएगा 21-21 की खड़। अगर आपका पशु बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो या नया ना हो, तो उस पशु को आप न्यूट्री डाइट खिलाएं। न्यूट्री डाइट खिलाने से आपका पशु समय पर नया होगा, दूध भी ज्यादा देगा। न्यूट्री डाइट हर मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी मिलता है। जब आपके पास हो न्यूट्री डाइट तो क्यों दे और डाइट। सब भाइयों को केनेन्द्र रोधी और से राम राम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है जी आप सब भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केनेन्द्र रोधी डेयरी फार्म पर। और आज की वीडियो भाई एक ऐसी भैंस जिसने आज हरियाणा का नाम भाई पूरे वर्ल्ड में चमका दिया, रेशमा भैंस। आज के दिन कोई परिचय मोहताज नहीं है, यूट्यूब पर हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी है रेशमा भैंस भाई। और आज तो ये मानो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है रेशमा भैंस का नाम, क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे रेशमा भैंस तो उस पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी इस भैंस के बारे में। और अरब्यांत भैंस ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन एक हाथ तो कृतिमान रच दिया, 37 किलो 600 ग्राम जो कि इस भैंस ने दूध निकाला जी। और अपने हरियाणा प्रदेश का नाम आज इसने पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। इस भैंस का डाइट प्लान कितना क्या कुछ खाती है और फिलहाल के पोजीशन चल रही है, और फर्स्ट ब्यांत में कितना निकाला, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे ब्यांत में कौन सा कितना, और फिलहाल कौन सा ब्यांत चल रहा है, आगे की जानकारी इस भैंस के ओनर है भाई नरेश बैनीवाल, गांव बूढ़ा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर से, उनसे इसकी आगे की जानकारी लेंगे। नरेश भाई राम राम। राम राम भाई। पहले तो बधाई हो भाई को और इतना अच्छा रिकॉर्ड दिया जो आपने। अच्छा नरेश भाई अपना शायद 1.5-2 साल हो गए सुल्तान ने। अच्छा दोबारा नु सोची थी अगर दोबारा उस ते भी कि मैं अच्छी चीज घर तैयार करांगे, कोशिश थी कि नैन भाई अपनी इस बैंक पर डालें। तो इस ता पहला जब सुल्तान गुजरे इसका तीसरा बैंक था दो तो उनके आने लग रहे थे, उम्मीद थी अपने काम था मेहनत करना, अपना मेहनत जारी रखी, वो मेहनत ही सब लगा ना ना। ठीक है। और आप तो लोगों ने सीखना भी चाहिए कि वगन खरीद, देखो पशुपालन नरेश भाई आपने भी रहा, क्योंकि सुल्तान के बाद एक और आपकी अच्छी जोटी थी जो वह भी परमात्मा ने प्यारी होगी थी। उसको लले हम राजस्थान वाली बोल लिया करते। अच्छा अच्छा। उसने 2 दिन ने केनन भाई प्लस दूध दिया था, उसका दिखा नहीं पाए। अच्छा। उसने चलो लोग भी नहीं मानते, हम भी नहीं, फिर मैं कंधे पर उसका रिकॉर्ड है कड़ी। हाँ। दिखा ही नहीं पाए। हाँ। दूसरा ब्यांत में बच्चा गड़बड़ हो गया, चली 17-18 किलो करेगी। अच्छा। ब्यांत में 21-22 दिन की बैठ थी, 26+ दूध था। अच्छा। अचानक उसकी मौत हो गई। अच्छा तो नरेश भाई के वक्त आदमी की मसी टूट जाए, क्योंकि आप गले भी देखो 2 बार बन लिया तो आदमी का कई बार दनुंगरा के सारा दिन खोले जी उतर जाए आदमी का। नहीं दिल पे तो आवे है भाई, दिल पे तो आवे, फिर और काम धंधा भी तो कोनी, इतने पढ़े लिखे ने भाई कड़ी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं कड़ी। हाँ, काम पे लग जा। हाँ, फिर अपना पे भाई नौकरी वाला सिस्टम समझ का भी कोनी। हां समझ का भी कोनी, काम करना चाहवा चाहे थोड़ा हो। हां थोड़ा हो नुला संतुष्ट है जब अपना तो संतुष्ट आप पे अपना काम दे संतुष्ट। हां जे 5 नहीं समय की 2 रह के लेंगे 2 रह। ठीक है नहीं बाकी अपना काम में संतुष्टि है। संतुष्ट। ठीक है। तो नरेश भाई रेशमा फिलहाल कौन सा ब्यांत चल रहा है? केनन भाई इसका 5वां ब्यांत है। 5वां ब्यांत है। हां पहला ब्यांत में आपे मोल ले आई थी ने 1,40,000 के। अच्छा बगाना काम में। बगाना किसी हो गया यू? यू इशार के नजदीक ही पड़ा है। इशार के नजदीक। अच्छा अच्छा। इसने पहला ब्यांत में भाई HLDD में तो रिकॉर्ड करवाया था 2600 का कुछ था पता नहीं 2100। हाँ अच्छा। 18-19 दिन की BITCARB में 19 किलो 270 ग्राम रिकॉर्ड कराया था। अच्छा हाँ। और दूसरा ब्यांत में इसने दिया था 30 किलो 148 ग्राम
तीसरा ब्यांत में दिया 30 किलो 976 ग्राम, ठीक है। चौथा ब्यांत में दिया 31 किलो 213 ग्राम, जो शायद कुछ क्षेत्र में निकाला था, डीएफए में। और इसका पांचवा ब्यांत में और इसमें जो पांचवा ब्यांत में क्या बार मिल्किंग चालीस की चार मिल्किंग करवाई, चार होली। एक में तो आ गया अपना 37 किलो 600 ग्राम, नहीं एक तो पहला तो आप मतलब पीडीएफ ग्राउंड लेकर गए थे, थोड़ा भैंस बीमार होगी, चलो अपन कोशिश करी नहीं सेट रही मैं। दूसरी मिल्किंग जगराऊं था कि घर करवाई थी 29 किलो 300 ग्राम कुछ दूध दिया था, अच्छा डाउन हो गई थी। तीसरी मिल्किंग कराई थी 37-600 की, चौथी मिल्किंग कराई थी अब तक थोड़े दिन पहला 34 किलो 886 ग्राम, ठीक ठीक। और जिसमें लगभग 4 महीने के आसपास की अपने 10 तारीख में प्रेग्नेंट कंप्लीट हो गई। अच्छा, जब नरेश भाई यहाँ पे 1,40,000 की लिया खरीद गए, अच्छा वो बगाना काम था, अच्छा उसकी घर की दिया वो भी खरीद के लिया था, वो खरीद के लिया था उसने गांवों में ली थी, अच्छा और उस पर आपा ने ली थी, ठीक ठीक है। जग पहले ब्यांत में एज कितने को की होगी इसकी, 2.5-3 साल तो, चार दान थी भाई, चार दान थी, लगभग 3.5 साल है, 3-3.5 जो भी हो है। अच्छा अच्छा ठीक है। जुकर नरेश भाई आपे को काटड़ी पाला, हाँ जुकर अपनी घर की है और भी मैं सही काटड़ी है, जुकर लाड प्यार तो है जब बच्चे जुकर तैयार करनी पड़ा है, ये जुकर 3.5 साल की सोना पाली आ वो आ कनू भी कहे उसने अख नरेश भाई माना पाली दिया मैं से भाई के ना बुलाया था स्पेशल, अच्छा आलू बगाना था फोन करया था, अगला ने जिम्मेवारी ले ली इस बात की, बोले मैं भी आऊं और उस मालिक ने वो पता नहीं भाई किस वजह से नहीं आया अपन, अच्छा आया नहीं मान ने उस आदमी खातिर स्पेशल सम्मानित करण खातिर अलग प्रोग्राम बनाया रहता है, अच्छा एक दो दिन में टीम कट गए नैन भाई उसका घर आ जाएंगे जरूर सम्मानित, अच्छा हाँ बहुत खुशी भी यार नरेश भाई, पता क्या बात है जकर अपने मैस का ले लियो अपनी जो मैस की कटड़ी भी कितने ब्याह की अच्छा दूध काट दिया, तो आप भी एक बार जाकर कहोगे मन तैयार करी थी भाई, पहले प्रोग्राम का कई दिन पहले फोन करा था भाई, अच्छा अच्छा बोले हम आवेंगे दोनों आवेंगे, पता नहीं किस वजह से कोई प्रॉब्लम वजह से हो जाए घर में परिस्थिति कई बार हो जाए खराब सी, अच्छा अच्छा एक दो दिन में जब भी टाइम मिला तो घर आ जाएगा सम्मानित करके जरूर आऊंगा भाई, अच्छा अच्छा उन कुछ पता चले बंदा ब्रीडर है या नॉर्मल किसान है, अच्छा नहीं है देसी साजमा किसान, अच्छा अरे जुकर इसकी मामू जुकर बेरा बात सी तकड़ी, मामू देखो केना ने भाई मैं कालू पे चली थी, उसने रिकॉर्ड बताया था इसकी मां का पहला ब्यांत का 17 किलो का, अच्छा अभी फेसबुक पे पोस्ट पड़ी होगी, ठीक ठीक है। बाकी रिकॉर्ड के था के नहीं अपन ज्यादा जानकारी नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे जुकर झोटा झाटा की दिया कोई सीमन सामने की ऊपर की टीवी का बुल 70577 की है, अच्छा कायदा उन दा रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। और चार दांत ने 22 के लगभग दूध था, 21600 लाइव मिल्किंग का, ठीक ठीक। और सीआरबी में भी अच्छा तोल दिया था, सीआरबी में 17-18 दिन की बेच दी, 19 किलो 270 ग्राम दिया था, अच्छा। और जो इसका पहला बच्चा था इसका रफ्तार नाम का था, हाँ HLDB गैम 150 का था, ठीक है। अपने सेल कर दिया बोर्ड सिंह है राजस्थान से पदमपुर था, अच्छा अच्छा पास है, ठीक ठीक। दूसरा ब्यांत का इसका कटड़ा था लाड लगा वो अपना शेयर कर दिया था युग पातु के नाम से है वो कटड़ा, अच्छा वो किस जरे है इधर असंध साइड में है वो असंध में, अच्छा। तीसरा ब्यांत की अपना कटड़ी है चैंपियन गंगा की, अच्छा अच्छा। चौथा ब्यांत की कटड़ी थी इसका नीचे 10/26/99 की, वो अपने 2.5 दिन भी ने पहला सेल कर दिया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वह कित गई भाई वहाँ उड़े ने गई है भाई जी टुआना साइड में, अच्छा अच्छा ठीक है। पांचवा ब्यांत में इसके नीचे कटड़ा है, अच्छा HLDB का M466 M466 का ये जो बैठा है खड़ा करिए उसने एक बार, और 5 महीने एज होगी, 5 महीने आज क्या तारीख होगी, आज 2 तारीख होगी 2 मई, 2-7 ना हो जाएगा भाई के ना पूरा, अच्छा 5 दिन में और 5 महीने का कम्प्लीट हो जाएगा, 7 तारीख ना 5 का हो जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक है भाई। और 37 किलो 600 ग्राम इसकी माँ का जो इस ब्यांत का दूध रिकॉर्ड हो गया, ठीक ठीक। अच्छा इसकी भी कि में को तो सलाह बनी बस देने की, सलाह इसकी देखो वो गवर्नमेंट का देने की सलाह भाई जी, अच्छा इसकी DNA की रिपोर्ट गई हुई है, 10 दिन माओ 20 दिन माओ, अच्छा मैं कुकर खारा उतरे के रहा के ना ना ठीक है। जो कर संस्था ये HLDB सरकारी होगी या और भी स्थानीय होगी, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट NDDP, अच्छा अच्छा उसका तहत रिपोर्टिंग हुई थी इसकी, ले ले 3800 की, अच्छा 2 साल हो गए, 2 साल पहला उसके भी अपने रिकॉर्ड सारे पड़े हैं, उन्होंने क्या करया था ये
वहाँ सुवाई पे भी आए थे डायरेक्टर था एनडीटीवी का। अच्छा अच्छा। सैंपल सुंपल ले गए इसके भी, माँ के भी, बाप के भी। तो मैं तो आएंगे कि कुछ रहेगा वो टाइम बता। अच्छा अच्छा। और नरेश भाई जुकर अपनी मैस करे इसमें पूरा साल का भी दूध है कौन से भी साल का रिकॉर्ड है भाई। कितना का है इसका? 7182 लीटर। 7182। ये 12 महीने का 10 का कुकर है वो। 305 दिन रिकॉर्ड पड़ा भाई जी उसमें। देखो मैंने इतना गौर से देखा 305 दिन का दे। अच्छा यानी कि 12 महीने को गया। ठीक ठीक। और बच्चे कितने दिन में देते हैं जुकरिया? बच्चा भाई जी पिछले साल 30 जनवरी की गर्भण थी। हां इनका 7 दिसंबर ना बच्चा गया। अच्छा अच्छा। ईब का 10 जनवरी की गर्भण है। हां या मानो दिसंबर से पहला नवंबर में बच्चा देगी। अच्छा। अपने एक साल का भी कर एक पहला ब्यांत में थोड़ी ही मेरे से में 2 महीने साल 14 14 महीने बच्चा दिया होगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद हर साल या 12 महीने था पहला अपने 11.5 में 12.5 में बच्चा दे दिया है। ठीक। अच्छा ईब कौन सा सीमन सामने रखवा रखे इसका? ईब या अनमोल रतन का ग्यापन है पद्मावती का। पद्मावती का। अच्छा। और उसका भी शायद अच्छा दूध है। हाँ उसकी माँ का 30 प्लस का रिकॉर्ड था जी 3400 कुछ का। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ये फिलहाल डाइट प्लान के कुछ चल रहे जुगर खान पीन में? डाइट में वाए है केनन भाई जी जो सारे पशुओं ने दाना गिड़ा। अच्छा। चना है, मक्की है, खंड है, खड़ है और सोयाबीन है, बिनोला है। अच्छा अच्छा। सारी चीज मिक्स करके गिड़ा। ठीक ठीक है। दाना गिड़ा दिन में। अच्छा। 4 किलो। हाँ। अच्छा सबसे ज्यादा के चीज न मानना है या मानना भाई जी गुड़ और सरसों का तेल। सरसों का तेल गनगरी में सकल उल्टा वन दूध ने भी तोड़ दिया जो सिर से तोड़ दे। देखो किसो पशु ने नहीं सेट करता, एक दो पशु अपने भी उनका नहीं सेट करता वो पशु घी ने मानते हो शायद। अच्छा वो घी पे कोई पशु घी पे लग जा कोई तेल पे लग जा। हां हां ये बात। अच्छा तीसरे ब्यांत में जाकर इसकी पहली काटड़ी आई थी। हां तीसरा ब्यांत। अच्छा ई उसकी उम्र कितने की होगी? अपने घर ब्याह होगी वा? घर ब्याह। अच्छा मराइए ध्यान एक बार यारी केनन भाई जी। अच्छा मोटा खीरी है। खीरी है। हां खीरी। अच्छा 8 तारीख ने 6 महीने की कंप्लीट ज्ञापन हो जाए। अच्छा तो खीरी बच्चा भी दे इसका संभावना है या अपन देखो कोई पता नहीं भाई जी देने के बरा देवी दे। हां नहीं 2 दांत दे देगी। हां 2 दांत दे देगी। नहीं देवेगी देखो। ठीक ठीक जितने यूट्यूबर है शायद लेकिन एक चीज है डिटो कॉपी नु किनू मां बेटी भाई थोड़ा सींग पे तो ना कहूं लेकिन जो पीठ है पीछा था बाकी फिलहाल की जो तुलना करा नू के नू। हां बिल्कुल सेम है। अच्छा अच्छा। टाइम बताओगा बच्चा देवेगी के पूछ रहे हो? ना ना ठीक है बात। बाकी थोड़ा थोड़ा डिजाइन इसका भी 1 मिनट रोकी उसने थोड़ी ही खास खुशी कर दो 1 मिनट दिखा भी दूं। ये देखो जी बिल्कुल जबरदस्त है ये देखो। अच्छा इसका नाम नूम क्या कुछ रखा है नरेश भाई? मानकी। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह फिर ये तो न्यूलिया ब्याह पीछे मेरा लगा कितना दूध दाद देगी। ठीक। और चौथे ब्यांत की आपने सेल कर दी? अच्छा अच्छा। तो आगे के भविष्य में के दिखा बनार में इसके भाई कितना दूध और चर्च का है? देखो अपन 5 घंटा मिल्किंग कराती आगे आगे टाइम बताओगा कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। अच्छा अच्छा। कंपटीशन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ठीक ठीक है। अच्छा मेले मेले में कितनी बार ले गए इसने और कितना? मेले में 2 बार लेकर गए थे भाई जी। 2 या 3 बार। अच्छा। पहली बार कुरुक्षेत्र लेकर गया था उस साल कल्ली भैंस रह गई थी रिंग में और भैंस खलवा दी थी तो भाई ने। अच्छा। कल्ली भैंस मिली को नहीं। ठीक है। यार एक उस दिन हम गए भी उस दिन था जिस दिन चुवाई का रिंग था। अच्छा अच्छा। खाली होनी थी 2:30 बजे से हम पहुंचे थे उधर भी नहीं सेट हुई। हाँ। फिर दोबारा कुरुक्षेत्र में 31 किलो 213 ग्राम तो लिया। पीडीएफ में गए थे उड़ा जाएगा पशु बीमार हो गया जिस दिन खाली हुई उस दिन मिल गई अगला दिन सवेरे पहली चुवाई का टाइम पे खड़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अपने लोग बतेरे यूट्यूबर भी आए होंगे जुकर मैं इसकी देखने भी कल भी आपने सम्मानित करे सारे यूट्यूबर सारे भाई आए थे। अच्छा नरेश भाई जुकर पाकिस्तान का लगा लियो सबसे ज्यादा दूध देवा तो अपनी आज नंबर 1 है वर्ल्ड की। देखो भाई जी जो आज जड़ लगा अपने जानकारी है मिल्किंग कार को जो कुछ है भाई इतना दूध नहीं पहला मैं सुनी थी मैंने देखा नहीं था मैंने कहा 3600 का कुछ है पाकिस्तान पाकिस्तान का। अच्छा अच्छा ठीक। तो उसका प्रणाली तोड़कर चल पड़ी
टूटन ना टूटन का अपन ने जानकारी नहीं थी। अच्छा अपन ने तो 37600 तोलिया भाई जी, 34866 तोलिया, जो कुछ भी है यू है। ठीक ठीक, आपके अजीज मित्र ला लिया भाई, ये बोल सकेंगे सुखबीर भाई नहीं सारे भाई हैं भाई जी। हाँ लेकिन देखो उस गलत गणा प्यार प्रेम सा है, प्यार सारे अंगल के अपने किसी को कोई दिक्कत को नहीं है। ना ना ठीक है भाई, अपना अगर आवे आप अन्य सब सारे बराबर। अच्छा अच्छा, उनके पास सरस्वती भैंस थी? नहीं सरस्वती थी भाई, आज उसने बेच दी। हाँ हाँ, दूध भी है बहुत टॉप की। हाँ उसमें कोई कमी नहीं। अच्छा देखो आज कहीं भाई उसने भी सुखबीर कहते दिन भी माड़ी कही करके, कहीं भाई हैं आज भी शायद उसने माड़ी कहने वाले होंगे। अच्छा मैं इसमें कोई कमी नहीं। चलो नरेश भाई ने एक बात तो छेड़ दी, लेकिन एक चीज बताऊंगा। देखो भाई सबकी अपनी अपनी सोचो है, और नुलिया इंसान की सोचे हुआ वो अच्छी और माड़ी हुआ है, किसी ना को नुलिया बुराई तो ले ले चलता चलता भी, लेकिन अच्छा कमाने खातर नरेश भाई कोई भी पशु है मेरा खड़ा या आपका खड़ा, जे आपका घर खड़ा या मेरा खड़ा जद लग तो अच्छा, और जे वा बिक के बग जाए फिर माड़ा फिर उसका गंदा आदमी को, गंदा आदमी को नहीं। और जे वा जुई पूरा अच्छा था तो वह सदा अच्छा रहेगा, जे आगे जाएगा माड़ा गिने तो उरे भी माड़ा था। ना ना ठीक है, लेकिन एक चीज कहूंगा भाई, देखो अपना को गांव का गुआंड का जे को खिलाड़िया कोई अच्छी मैसे जो को बढ़िया प्रदर्शन करे तो उसने नु कह करो भाई मारा गांव की अच्छी मैसे अच्छी, क्योंकि बुराई तो कितनी गिने लेकिन अच्छे कहने बहुत कम मिले नरेश भाई। यह तो है भाई जी, दुनिया देखो पांचों उंगली बराबर नहीं, कोई अच्छा भी करने वाला कोई माड़ा भी करना। हाँ ये सारे अच्छा करने वाले होंगे फिर चल लगा दे करता। ना ना ठीक है, मारा करने वाले भी चाहिए। हाँ। आदमी सिस्टम चल लगा देंगे, अनुविला जब टॉक्सी नहीं होगी इतने वो आदमी भी ठीक साला को नहीं। हाँ और जे टॉक्सी करे जाने उसका नुरा इतना इन तक कुछ दिखाना करका है, कोशिश कराना। हाँ। अच्छा नरेश भाई तो आगे भविष्य में क्या दिखा इसके, जो बच्चे आओगे मतलब इसके जो बेटा के रफ्तार के पहला ब्यांत का की उसकी जो फर्स्ट टाइमर जो झोटी भी आओगी कितने दूध वाली निकलनी चाहिए? कहना ना भाई जी उसका पे कोई दावा नहीं करते। अच्छा ना पे मैं न्यू गुंदा भाई इसका काटा जो है रफ्तार है उसकी पर 15 की आवेगी, 18 की आवेगी, 20 की आएगी। आप तो इतना कह कर सका एक दो काटड़ी जो अपने घर का की थी बीत क्या गई हुई है, उन भाइयों के नंबर है, उन भाइयों के नंबर है जो वहाँ ब्यावेंगे आप तो उन भाइयों के नंबर डाल दें, कोई भी भाई दूध देखा हो वह दे 10 वह दे 15 वह दे 18 ना पे किसी चीज का दावा कर दे। अच्छा, अच्छा। जब तक रिजल्ट नहीं आते आप नहीं कंदे भाई इतना दूध देंगे। ना ना ठीक, ईब तक ब्याज तो नहीं होगी कोई ना कोई काटड़ी को नहीं। अच्छा इसकी सबसे बड़ी काटड़ी मेरे पे थी। अच्छा अच्छा, मैंने बेची थी राजस्थान कोटा जहरी है, वह मेरे ख्याल में 2 महीने का लगभग ज्ञापन हो गया, सवेरे भी उस भाई से बात हुई थी। अच्छा सबसे बड़ी काटड़ी बात। ठीक ठीक है। अच्छा नरेश भाई एक बात और सुनिए, मैं इसका थन थुन भी कम है ना ईब का सेट है केनन पिछला। अच्छा में था ईब का कोई दिक्कत। ठीक ठीक, मतलब वहां ब्यात में था जब हमने कुछ क्षेत्र दूध तो हमने क्लियर के कह दिया था इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। अच्छा अच्छा, आपने कौन सा नहीं था भाई ये बात लोको करो आपने मैच बेचना। हां हां, आपने क्लियर कह दिया था जो भी था दूध था जो भी सबका जमी तो लिया का सेट। अच्छा अच्छा, अरे अपने जो 37600 जब लाइव मिल्की में रिकॉर्ड बना लास्ट खड़ कितने की आई थी भाई? वहाँ 21 किलो 100 ग्राम की आई थी शायद। 21 किलो 100 ग्राम, 21 किलो 10 ग्राम की आई थी, पता नहीं 21 किलो मतलब 21 किलो था। अच्छा अच्छा ठीक, आगे भविष्य में अपना जो कर 2 या 3 टाइम का भी इतना देखने मिल जाएगा 21-21 की खड़ हो सका भाई जी। अच्छा ना दीप का भी ले ले 21 की खड़ मारी उस पहला टाइम की खड़ 19+ की थी। 19+ की ईब का भी एक खड़ 19+ की थी। अच्छा अच्छा, देख ज्ञापन थी मैं सर ईब का भी लास्ट ट्राई कराई, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाँ गर्मी बहुत ज्यादा, मौसम नहीं था जो ईब पिछले 2-3 दिन था यूं मौसम है यूं मौसम होता, कोशिश रही भाई 21+ की एक नहीं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये तो बात होगी भाई और मैंने इसका दिखा दिया, लेकिन एक बार धन्यवाद करूंगा आपका और अपने बड़े भाई सुखबीर का, क्योंकि देखो नरेश भाई देखो 5000 सब्सक्राइबर है यूट्यूबर के, किसो के 10 है किसो के लाख है किसो के 2 लाख है, लेकिन आपने सारे सम्मानित करे, पहली बार मेरे से अब तक हरियाणा में भारत में होया होगा, क्योंकि जो मैं सके वीडियो बना यूट्यूबर जितने भी भाई आए यूट्यूबर एक आपकी जो वजह से नहीं आन पाए। हाँ। जितने भी भाई पहुंचे अपने चाहे कोई सुखबीर था। हाँ। चाहे कोई आप वर्गा भाई था या उससे भी लोकल था। हाँ, लोकल था अपना खातर सारे एक समान थे, अपना जीसक भी होया अपना हर एक आदमी का सम्मान करे ना ना, और फिर तो दिल का शुक्रिया सुखबीर भाई और नरेश भाई आपका, क्योंकि और कोई कोनी सोचता या चीज भी मेहनत करो लोगों का किसी का अच्छा पशु है माड़ा पशु है। हाँ हाँ, आम घर बैठे किसी का नहीं देख सकते, तारे वर्गे भाई सोशल मीडिया पे दिखावे तब किसी आम पशुपालक का अच्छा पशु
चंगे पीछे में बिक जाए सिर्फ तारी बजा दे और उस पशु की मार्केट भी हो सिर्फ तारी बजा दे चलो ठीक है तारा अपना काम है भाई इसमें आमदन भी है तो हमने कमाई भी है फिर दिखाना और सवेरे तक शाम लग फिरना वो भी बहुत बड़ी हाँ बहुत बड़ी बात हो जाए। अच्छा लगभग सरस्वती के बाद क्या साल का गैप हो गया जो अपना यू रिकॉर्ड टूटा हो गया 3-4 साल का ज्यादा हो गया मई हो गया होगा देख के ना नहीं मेरे ध्यान में नहीं उसका रिकॉर्ड 19 में बना था 19 में बने तक 20 में बने पक्की ध्यान में नहीं। अच्छा अच्छा तो 3-4.5 साल का मान लिया। अच्छा तो फिर सुखबीर भाई दोबारा तैयारी में चल रहे हैं के को तैयारी में सुखबीर क्यों कोई भी और भी बहुत से भाई हैं तैयारी में चल रहे हैं और बढ़िया भाई जी जो कोई दूर तोला अपन कोई दिक्कत ना ठीक है। अच्छा एक ना ठीक है बढ़िया एक छोटी बात और जो करे अपने एरिया का लगा लो कैथल डिस्ट्रिक्ट का जे को भाई नु दिखा 18-20 किलो दूध तैयार की झोटी ले रहा है और आपका लो फोन मारा नरेश भाई नु लाइव चलाने की सोच रहा हूं और थोड़ी या कर नु बता दे कुकर के थोड़ा किलो 2 किलो रॉप कर जा जी पहुंचोगे उसका भाई अपना जितनी जानकारी है भाई ने सलाह दे सका। हां जे भाई मेरा पे टेम होया एक टेम दो टेम आग लगा घर आ जाकर हेल्प कर सका। हां अपन कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है सुखबीर भाई ओ नरेश भाई और आगे दुआ करांगे परमात्मा तै भैंस अच्छा एक रिकॉर्ड बनावा इस भी और टॉप का जुलिया खुदे रिकॉर्ड बनावा रही खुदे तोड़ा या चलो अपना काम मेहनत करना भाई आप काम कर दे रहांगे ना ठीक है और गर्व करया करो भाई अपने एरिया पे और अपने जो एरिया के भाई ये बढ़िया काम करे है क्योंकि कोई खिलाड़ी हो कोई पशुधन हो तो एरिया का नाम होगा जे भाई आगे पहचान मिलेगी फलाना गांव का फलाना शहर का हूँ और भाई नुनू तरा गांव की मैं सुना अच्छा दूध काढ़िया तरा शहर की मैं सुना अच्छा दूध काढ़िया है और आज हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे वर्ल्ड पे इस रेस में मैं सुना चमका दिया भाई तो मैं तुम्हें कहूँ अपने गर्व है भाई मैं इस हरियाणा की धरती पर जन्म लिया मिट्टी पर जन्म लिया क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकले से हरियाणा से और ऐसी ऐसी भैंसे जिन्होंने वर्ल्ड के ऊपर अपने हरियाणा प्रदेश की छाप छोड़ी तो इसी बात पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। राम राम सत श्री अकाल। एक बार वीडियो का कमेंट में ये जरूर लिख दियो जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय रणवीर राम राम सत श्री अकाल। तो नरेश भाई राम राम।